हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। जरूर खाएं ये सभी चीजें, आप हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। शायद आपको ये चीज तो मालूम होगी, वात और कफ का प्रभाव ज्यादा होता है शरीर में। वात यानी वाई, जिसके कारण जोड़ों में दर्द होता है। कफ यानी कि रेस्पिरेटिव सिस्टम ने जो वो डिस्टर्ब हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ आती है, खांसी ज्यादा आती है। लेकिन तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप वात और कफ की बीमारी से, वात और कफ की समस्या से बचे रहें, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन आपने जरूर करना है। किसी दिन आप नहीं खा सके तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इनका सेवन सर्दियों में रोजाना करते हैं तो आप वात और कफ के रोगों से बचे रहेंगे। शरीर में वात बढ़ने से जगह जगह दर्द होने लगता है, जोड़ों में तो दर्द होता ही है, साथ में धीरे धीरे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। शरीर में जब वात बढ़ती है तो ये हेयर फॉल का कारण भी बनती है, स्किन पर ग्लो नहीं आने देती, नाखून जो है वो बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं, स्किन भी बहुत ड्राई सी रहने लगती है। इसके अलावा चलने फिरने में तो दिक्कत आ ही जाती है, क्योंकि जोड़ों में भी दर्द होने लगता है और मांसपेशियों में भी दर्द होने लगता है। इसके अलावा जब शरीर के अंदर कफ का प्रभाव बढ़ जाता है, तो कफ का प्रभाव बढ़ने से सबसे बड़ा रोग क्या आता है, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। क्योंकि जब कफ का प्रभाव बढ़ता है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती, जिसके कारण कमजोरी और थकान हो जाती है, मोटापा भी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, वो कौन सी चीजें हैं जो आपने सर्दियों में जरूर खानी है, वो तीन चीजें हैं। मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ, साथ में बता रही हूँ कि इन चीजों का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। सबसे पहली चीज है, वो है तिल। आप सोचते होंगे कि तिल के अंदर तो बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि तिल एक ऐसी चीज है जो क्षारीय प्रकृति की है, यानी कि बॉडी में से वात यानी वायु को दूर करने का काम भी करती है। अगर आप तिल का सेवन रोजाना खाना खाने के बाद आधा चम्मच चबा चबा कर करते हैं, तो आपका वजन भी घटेगा और आप वात यानी वायु से संबंधित समस्याओं से भी बचे रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो, ना आपकी बॉडी में वायु बड़े, तो आपने तिल का सेवन गुड़ के साथ करना है। आप चाहें तो तिल और गुड़ की गच्चक बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तिल का सेवन करने से ना तो शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, ना आयरन की कमी होती है, और ना ही वायु शरीर में कहीं भी रुकती है, क्योंकि इसका नेचर क्षारीय है और गर्माहट देने वाला है, ये वायु को बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा गुड़ के तो बहुत फायदे हैं, गुड़ में आयरन, फास्फोरस, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, ये सभी चीजें बहुत अच्छी मात्रा में होती है। अगर आप तिल और गुड़ का सेवन एक साथ करते हैं तो यूरिक एसिड आपके शरीर में नहीं बढ़ सकता। शरीर में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो जगह जगह जोड़ों में दर्द होने लगता है, चुभन होने लगती है, और ये चुभन और दर्द सुबह के टाइम ज्यादा होता है, जब भी आप आराम करके उठते हैं, चाहे वो सुबह के टाइम उठे या फिर आप दिन में कभी भी आराम करते हैं, तो जब भी उठेंगे तो आपके जोड़ों में चुभन शुरू हो जाएगी। तो ये यूरिक एसिड का दर्द होता है, शरीर के अंदर आरए पॉजिटिव आने के कारण ही यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है सर्दियों के दिनों में, एक तो तिल का इस्तेमाल करना है और गुड़ का इस्तेमाल करना है। अब आप इन दोनों चीजों का सेवन किस तरीके से करते हैं, चाहे तो आप इसे पानी में मिक्स करके ले लीजिए या फिर ऐसे ही इन दोनों चीजों का सेवन कर लीजिए। अब तीसरी चीज है, वो है घी। घी, लेकिन गाय का घी, आपने गाय का घी का इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, हमारा शरीर होता है ना, उसके अंदर वायु यानी वात बढ़ने के कारण वो हमारे शरीर में घूमती है, जिसके कारण ये वायु क्या करती है, जोड़ों में जमा जो लुब्रिकेंट है यानी कि फ्लूड है, जिसे ग्रीस कहा जाता है, जिसे कार्टिलेज भी कहते हैं, जो बहुत सॉफ्ट कार्टिलेज होते हैं, इनको सुखा देती है, जिसके कारण जोड़ आपस में टकराने लगते हैं, इनके अंदर का जो गैप है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब आप चलते हैं, सीढ़ियां उतरते हैं, तो आपको बहुत दर्द होता है, इसीलिए घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। घी का इस्तेमाल करने से वो जोड़ों के अंदर फ्लूड जो है वो नेचुरल तरीके से बनने लगेगा, क्योंकि घी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में चिकनाहट होती है। तो आपने क्या करना है, तिल, घी और गुड़, इन तीनों चीजों का सेवन आप एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक कढ़ाई ली, उसके अंदर गुड़ डाल दीजिए, उसके अंदर एक चम्मच घी भी डाल दीजिए, उसके बाद आप इसके अंदर तिल भी डाल दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप सर्दियों के दिनों में इन तीनों चीजों का सेवन करना शुरू कर देंगे, तो आपको वात और कफ से संबंधित समस्या नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जिनको भी कफ की समस्या ज्यादा रहती है, उन लोगों ने घी का सेवन गरम गरम ही करना है, ठंडे घी का सेवन नहीं करना, क्योंकि जब आप ठंडे घी का सेवन करेंगे तो ये कफ की समस्या बढ़ जाएगी। इसीलिए जिनको कफ की समस्या है, उन लोगों ने घी बीच में मिक्स ना ही करें तो अच्छा रहेगा। वात रोगियों के लिए मैं एक चीज बता दूं कि उन्होंने अपने तेल पर ध्यान जरूर देना है, अगर आप वात रोग को दूर करना चाहते हैं, नहीं तो ये समस्या कभी भी आपके शरीर से दूर नहीं हो सकती। आपने ऐसे तेल का इस्तेमाल करना है खाना बनाने में जो बहुत गाढ़ा हो,
चिकनाहट बहुत कम हो लेकिन गाढ़ा बहुत ज्यादा हो, जैसे कि सरसों का तेल। सरसों का तेल जो प्योर होगा वो बहुत गाढ़ा होगा। जब आप उसको अपने नाक के पास लेके आएंगे तो आंखों में से भी पानी आने लगेगा और नाक में से भी पानी आने लगेगा, क्योंकि उसकी गंध इतनी तेज और इतनी तीखी होती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। सर्दियों में इन तीनों चीजों का सेवन शुरू कर दीजिए, आप वात और कफ के रोगों से बचे रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, काम की लगी, तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपके काम की है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन पर प्रेस करके और नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।